दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में एक किसान से रिश्वत लेते समिति मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त सागर से आई टीम ने कार्रवाई की है। मामले के मुताबिक किसान भीम सिंह घोषी अपनी धान को लेकर तेंदुखेड़ा धान खरीदी केंद्र 5 जनवरी को गया था, जिसकी धान तुलाई हो गई, लेकिन कंप्यूटर में चढ़ाने के नाम पर धान खरीदी केंद्र प्रभारी समिति मैनेजर डोमल साहू ने किसान से 1200 रुपये की मांग की। किसान भीम ने लोकायुक्त सागर में 6 तारीख को शिकायत की और लोकायुक्त की टीम ने जांच सिद्ध करने के बाद जाल बिछाया और ठीक एक दिन बाद यानी 7 तारीख को धान खरीदी केंद्र पर किसान से रिश्वत लेते समिति मैनेजर को पकड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज, दमोह। पाँच तारीख को यहाँ पर आए थे, सुबह मतलब कि भैया हमारी एंट्री का हो जाए, तो फिर हमने दीपक भैया ने हमें दई सुबह ने एंट्री का हो दई, KYC भी कर दई हमने। भैया से कही मैंने कि भैया हमारी एंट्री करवा दो, आप दस्तखत कर दें, हमारी पावती मिल जाएगी। ये बोले कि अभी नहीं करेंगे, अब पैसा लाओ पहले। कितने पैसों की मांग की गई थी? पैसों की मांग पहले तो कहती 1600 रुपये, 2000, और फिर इसके बाद में कह रहे कि ठीक है तुम 1200 रुपये अलाउ कर दो, हमें तुम्हारी एंट्री करवा दे। आवेदक भीम घोषी, जिसकी तेंदुखेड़ा सहायक मंडी में धान तुलाई हुई है 40 क्विंटल, उसके 40 क्विंटल की कच्ची रसीद उसे प्राप्त हुई, और सहायक समिति प्रबंधक डालचंद उर्फ डोमन साहू जो हैं उनके द्वारा उसे कंप्यूटर में एंट्री करने के 1200 रुपये की मांग की गई, जिससे आज रंगे हाथों पकड़ा गया।